नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे विशेषण में तुलना बोधक विशेषण की अवस्थाएं। सबसे पहले देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, वहां बहुत भीड़ थी, हम तीन भाई हैं, मुझे थोड़ा पानी दे दो, कौवा काला होता है। इन वाक्यों में सुंदर, बहुत, तीन, थोड़ा, काला ये विशेषण है। विशेषण के 8 भेद है, यह हमने पहले देखा है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। तुलनाबोधक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, उसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तुलनाबोधक विशेषण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, दोष, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि की परस्पर तुलना जिन विशेषणों के माध्यम से की जाती है उन्हें तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, पर विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं की गुण दोष कम या ज्यादा होने की वजह से उनमें तुलना की जाती है, इसी को तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अधिक समझदार है, राम श्याम से अधिकतर समझदार है, राम कक्षा में अधिकतम समझदार है। इन वाक्यों में अधिक, अधिकतर, अधिकतम इन विशेषणों की वजह से वाक्य में तुलना की गई है और इसीलिए ये तुलनाबोधक विशेषण है। तुलनाबोधक विशेषण की अवस्था। तुलनाबोधक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, उसमें से पहली मूलावस्था, जिस विशेषण का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताने के लिए किया जाता है उसे मूलावस्था कहते हैं। मूलावस्था में वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताए जाते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु में तुलना नहीं की जाती है। जैसे राम अधिक समझदार है, गणेश अच्छा लड़का है, फूल सुंदर है। तुलनाबोधक विशेषण की दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था, जिस विशेषण का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण दोष की आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है उसे उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था में व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना की जाती है, एक को श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे राम श्याम से अधिकतर समझदार है, राजू गणेश से बहुत चालाक है, गंगा कावेरी से अधिक पवित्र नदी है। तुलनाबोधक विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था, जिस विशेषण का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की तुलना में सिर्फ एक का अधिक गुणवान तथा दूसरे को दोषी बताने के लिए किया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था में व्यक्ति या वस्तु में तुलना करते समय एक को अधिक गुणवान माना जाता है। जैसे राम कक्षा में अधिकतम समझदार है, सीता सबसे अच्छी लड़की है, तुम
सबसे सुंदर हो। धन्यवाद।